तो हेलो सुबह सब लोग, स्वागत है तुम लोगों का एक नए वीडियो में। पहली बात तो आज मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि 2 दिन से फूड पॉइजनिंग से मेरी हालत खराब है। पिछले 2 दिन में मैं मेरे कमोड पे 12 बार बैठा हूँ, मेरे बॉडी का सब पानी निकल गया है, फुल डिहाइड्रेशन। देखो कितना सूख गया हूँ, ये देखो मेरे आंखों के नीचे तुम लोग को डार्क सर्कल दिख रहा है। एडिटर प्लीज और डार्क कर देना, एकदम काला कर देना है। तो मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, पेट दर्द हो रहा था, कल रात तो ऐसे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे याद है कि यार नया वीडियो भी तो बनाना है। शर्म करो। देखो गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे अंदर एनर्जी आए तो तुम लोग को लाइक कर। दर्द हो रहा है गाइस, एनर्जी खत्म हो रही है, लाइक करो जल्दी जल्दी, एक लाइक करो। अच्छा लग रहा है, एक और लाइक करो। मुझे 4 और लाइक्स की जरूरत है, 4 और लाइक्स। कम ऑन आदित्य, लाइक कर। आदित्य, श्रेया, श्रेया तू सुन रही है कमेंट्स में, श्रेया लाइक कर। अंजलि, अंजलि तू देख रही है वीडियो, लाइक कर। और नेहा, नेहा लाइक कर। ओह, आई एम बैक। चलो, पहाड़ में गया वो पाव भाजी जिसकी वजह से मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था। आई एम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे सब लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग वापस एक बार खेलने वाले हैं, नहीं वापस एक बार नहीं खेलने वाले, पहली बार खेलने वाले हैं गेटिंग ओवर इट पार्ट 2। हम लोग को गेटिंग ओवर इट तो मालूम है, वो टकले का गेम, बहुत लोगों ने ये गेम खेला है, बोलते कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट गेम है, यूट्यूबर्स को इस गेम से फुल नफरत है। मैंने भी ये गेम पिछले साल खेला था लेकिन मुझसे भी हुआ नहीं। बट जब मैं ये गेम खेल रहा था ना, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि ये जो टकला आदमी है जो मटके के अंदर बंद होता है, आखिर मटके के अंदर होता क्या है? आई मीन ऑफ कोर्स उसकी बॉडी होती है, लेकिन उसकी बॉडी को हमने कभी नहीं देखा है। वो हमेशा मटके के बाहर उसके 2 हाथ होते हैं, उसका ऊपर बॉडी होता है, लेकिन मटके के अंदर का हमने कभी देखा नहीं है। तो इस गेम में मटका मैन मटके से बाहर आ गया है, एंड ये हम है। एंड ऐसा कहते हैं कि ये भी गेम बहुत डिफिकल्ट है खेलने के लिए। ओ भाई, इसका अंडरवेयर देखो भाई, ये तो हिल रहा है यार। नहीं नहीं देखो, मैं मेरी फुल कोशिश करूंगा कि इसका अंडरवेयर पूरा ना निकले, बाकी मेरे गेम प्ले पे है। ओ ये देखो, ओ वाओ, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ओके पकड़ा मैंने, अच्छा समझा, एक हाथ से पकड़ा, एक बे त्रण त्रण हाथ ऊपर जाते भाई, इसका चड्डी नहीं निकलना चाहिए यार, बहुत अजीब लग रहा है पीछे से। शी 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 शी। चलो ऊपर भाई, ये तो बहुत इजी है यार, ये तो हैमर से तो बहुत ज्यादा इजी है। चल भाई, ये स्पाइडरमैन है। टा 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 टा। भाई मैं किधर भी पकड़ सकता हूँ, बताओ, ये गेम इतना सिंपल है कि मैं लिटरली किधर भी पकड़ सकता हूँ। गेटिंग ओवर इट में कैसा था कि हम किधर भी पकड़ नहीं सकते, इसमें तो मैं किधर भी पकड़ सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गेम डिफिकल्ट है। ओके अभी देखो, अभी देखो। ओके गाइस, अभी अभी शुरुआत की हमने। अरे उधर चलना, वन भीमा चम्मक चलो। ओ 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 ओ। भाई ये बहुत इजी गेम है, मुझे ना बस उस वाले रॉक को पकड़ना है, बाकी फिर गेम बहुत इजी है। इधर इधर पकड़ा मैंने, इधर से इधर पकड़ा, वेरी गुड। भाई मैं फूड पॉइजनिंग छोड़ के इधर आया हूँ ये गेम खेलने, इट शुड बी वर्थ। ओ मेरे को लगा ही था ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इस पे हम पकड़ नहीं सकते, समझा? इतना भी आसान गेम नहीं बनाएंगे वो लोग, लेकिन ठीक है। ये देखो इधर पकड़ा भाई, यार मेरे को ये गिरने से ज्यादा तो स्ट्रेस है, इसका चड्डी निकल जाएगा। ओके साइड वाले व्हील को ऑफ कोर्स हमें पकड़ना है। अरे भाई भाई रुक रुक रुक, हाथ निकल जाएगा, हैंडीकैप बन जाएगा तू। ओके मैंने कौन सा हाथ पकड़ा है, लेफ्ट वाला पकड़ा है, तो मैं राइट वाला छोड़ सकता हूँ एंड मैं ऊपर जाऊंगा। भाई ये दिस इज गेम इज वेरी चिंदी। ओके प्लीज, दिस गेम इज वेरी चिंदी। लॉल, इतना गेटिंग ओवर इट में आगे आने के लिए ना मेरे को 15 मिनट लगा था, अभी कितना टाइम हो गया, 2 मिनट हो गया सिर्फ, और मैं इतना ऊपर तक आ भी गया। लॉल चिंदी, टायर पकड़ा, टायर के बाद ये, अरे उधर चल, उधर उधर। अरे वाओ, दिस इज सो चिंदी। ए गेटिंग ओवर इट विद बेनेट फोड़ी, फोड़ दिया मेरा गेम। वाओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, दिस गेम इज एक्चुअली चिंदी। कितने बार चिंदी चिंदी बोलूंगा मैं। ओके मेटल पकड़ सकता हूँ राइट मैं। ओके भाई सब चीजें अगर मैं पकड़ सकता हूँ तो फायदा क्या, क्यों दिया ये गेम। इसमें बस ना आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने गलती से गलत हाथ छोड़ दिया, फिर प्रॉब्लम होगा। What nonsense! ये गलत हुआ मेरे साथ, ये गलत हुआ, मैंने माउस पूरा पकड़ा था, ये हो ही नहीं सकता। अभी मैं देखो इधर से इधर डायरेक्ट जाऊंगा, अच्छा नहीं जा सकता, सॉरी चल के जाना पड़ेगा। चलो पूरा वापस जाते हैं भाई, मेरा हाथ हाथ नहीं दर्द कर रहा मेरा, जितना मेरा शोल्डर दर्द कर रहा है फूड पॉइजनिंग की वजह से। फूड पॉइजनिंग से शोल्डर दर्द होता है मुझे मालूम है, मेरे डॉक्टर ने बोला है मुझे सिम्टम्स। ओह माय गॉड, लटका मैं, चल ऊपर चल ऊपर, ऐसे मत कर। ओके लेट्स गो, मेरे अंदर का दीपक कलर बाहर क्यों आ रहा है, अरे बाप रे, टाटा मत कर दो, रिलायंस कर दो, टाटा नहीं करना है तो। क्या मस्त जोक मारता ना मैं, नहीं। ओ माय गॉड, ओ भाई तू प्लीज हाथ मत छोड़ यार। ओके मेरा शोल्डर दर्द कर रहा है फूड पॉइजनिंग की वजह से। भाई ये लटक गया,
सुन आराम से करते हैं ना, तू और मैं एक ही वीडियो का पार्ट है ओके। हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हम दोनों को सब लोग देख रहे हैं। तुझे क्या करना है, उधर पकड़ना है राइट हैंड से, तूने पकड़ा वेरी गुड। अभी तुझे लेफ्ट हैंड से इधर पकड़ना है, पकड़ा। अभी तुझे इधर जाना है, परफेक्ट। तो भाई परफेक्ट तो है तू, इंसान ही परफेक्ट तो है, मैं क्या बोलूं। तुझे कंट्रोल करने वाला इंसान भी एकदम परफेक्ट तो पागल टकले मारू क्या तेरे को आगे टकले गेम में आए। ओके वेरी गुड टकलू, टकलू मोन पकड़ यार, टकलू मोन रॉक टूट रहा है यार। तू खुद को स्पाइडरमैन मत समझ यार, तू खुद को मत समझ स्पाइडरमैन। ओके वेरी गुड भाई, प्लीज ये मत छोड़ यार, ये मत छोड़, तू कुछ भी छोड़, चड्डी छोड़ चाहिए तो, लेकिन ये मत छोड़। इधर पकड़ सकते है क्या? हाँ पकड़ सकते। अभी भाई देख लेफ्ट में जाना हमें। पकड़ा। लेकिन मैंने गलत किया क्या, पकड़ गया, क्योंकि लेफ्ट में मेरे पूरा ग्रीन ही है। अब मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बताएगा। कल ही मैं भूतनाथ पिक्चर देख रहा था, उसमें वो कैरेक्टर है मालूम है, बैंकू का प्रिंसिपल, तुम्हें टिफिन बॉक्स चाहिए बैंकू। किस को ये कैरेक्टर मालूम है? अगर तुम लोग को याद है तो देखो, आपका और मेरा बचपन मैच होता है। क्या बोलता है बैंकू, आज तुमने टिफिन में क्या लाया था बैंकू? आप झूठ बोलते हैं। ओके मुझे लगता है ना लेफ्ट में कोई जगह नहीं है, तो हमें ना अभी नीचे जाना पड़ेगा। देखो हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी में आगे अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। वो जो खिलौने वाली गाड़ी होती है ना, एक सेकंड भाई हिलना मत, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। वो जो खिलौने वाली गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को भी आगे जाने के लिए हमें पीछे उसको खींचना पड़ता है, तभी वो गाड़ी आगे जाती है। पूछा किसी ने? ओके भाई समझ गया, अभी चल, अभी कुछ नहीं, अभी हो गया मेरा ज्ञान देखे। अभी तू एकदम आराम से, एकदम आराम से, उधर पकड़ 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 पकड़। वेरी गुड भाई, तेरा हाथ एकदम सुपर है। वाई ये क्रेजी आदमी है यार, मैं सच बता रहा हूँ, ये तो गेटिंग ओवर इट के टकले से ज्यादा बेटर। तू उसका भाई है ना, सच बता, वो टकले को कुछ नहीं आ रहा था, तू मस्त है। इसका नाम क्या रखे? ओ माय गॉड, इसका नाम बाद में रखते हैं, मैं गिरने वाला हूँ यहाँ से। अब मैं किधर पकड़ू, दिस इज नॉनसेंस, अभी मैं पकड़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है भाई, कुछ है ही नहीं। एडपट आदमी, मेरा खून करूँ क्या आके उधर? एक सेकंड रुको, मुझे ना स्लोली स्लोली नीचे जाके देखने दो। नहीं यार मैं तो, ये तो गलत आ गया यार, मैं तो मैं वापस उधर जाऊंगा, वापस पीछे तक नहीं जाऊंगा, मैं जिधर से आया था उधर ही वापस जाऊंगा। मैं क्यों हार मानू, इस गेम ने मुझे एड़ा बनाया है, मैं जहाँ से आया था उधर ही वापस जाऊंगा। मुझे बस वो ऊपर का पत्थर, भाई ऊपर चल यार थोड़ा सा, भाई प्लीज ऊपर चल तू। ए क्या बोलता तू, सुना आता क्या खंडाला? नहीं आता ना खंडाला तो मत आना यार भाई, मेरी की बैंड बजाना, नहीं आना खंडाला तो तेरे को। ओके उधर से ऊपर आके मैं खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। भाई मैं इस मेटल को पकड़ा, भाई ऊपर है रे, उस तो गैस का पंप। एड़पट आदमी ऊपर पकड़, इतना आगे तक आया, तू ज्यादा नाटकी मत करा जिंदगी में, तेरे खून कर दूंगा मैं तेरा। मैं आदमी बहुत गंदा हूँ, मैं इतना गंदा आदमी ना, तूने कभी जिंदगी में नहीं। ए एड़पट मारूंगा तुझे। ओके ओके चड्डी चड्डी ए चड्डे, भाई मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, फूड पॉइजनिंग की वजह से। भाई मैं गेम का मैं सच बता रहा हूँ यार, माउस के पास मेरा हाथ को कुछ नहीं हो रहा, शोल्डर पेन हो रहा है इतना माउस हिलाने में, पर वो फूड पॉइजनिंग की। मुझे ना ऊपर अच्छे, एक सेकंड, मैं ना दोनों हाथ से ऊपर ना पहले लैंड करता हूँ, घाई नहीं करता, इतना आगे तक आया ना, इधर भी पकड़ लो, आराम से करते हैं ना, क्यों घाई कर रहे हो? तुम लोग घाई कर रहे हो, तुम लोग को सब वीडियो जल्दी जल्दी देखना होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आराम से करते हैं ना, है ना बहुत टाइम अपने पास, पहला सब्सक्राइब करो तब तक, है ना टाइम तुम लोग के पास, सब्सक्राइब करो तब तक। हो गया नील, नील नाम का लड़का है, उसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक। नील चुपचाप, थैंक यू। Dude, don't do this nonsense to me, okay? मैं ऊपर ही पकड़ रहा हूँ भाई, मेरे को तो रिस्क लग रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं तो ऊपर पकड़ूंगा डायरेक्ट। ओ भाई ऊपर पकड़ सकते यार, come on, don't do this nonsense, कर आदमी to me. ए क्या मैं बोलूं? अरे सुन, सुना आती क्या खंडाला, अरे क्या करूं आके मैं खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। भाई मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ गेम्स, मुझे ऐसा लगता है कि गेमिंग पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। अभी निश्चय को गेमिंग पुरस्कार मिला है मोदी जी के हाथ से, तो नेक्स्ट टाइम गेमिंग पुरस्कार मुझे ही मिलना चाहिए मुझे लगता है। बताओ अगर मोदी जी ने ये वीडियो देखा मेरा, नहीं देंगे वो? No.
ओ भाई, पर मुझे लगता है कि इसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी करो तुम लोग, कोई भी कुछ भी कर सकते। अरे भाई तू रुक जरा, मेरे को बात करने दे पहले। तू हाथ मत छोड़। इधर पकड़ सकते हैं क्या? अच्छा बताओ ना, पकड़ सकते हैं झाड़ियों में? कौन बताएगा मेरे को? मैं पहले ही लूज होप करता हूँ। भाई झाड़ियाँ निकलने का चांस लग रहा है मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ। भाई मेरा झाड़ियाँ निकलने वाला है। भाई उधर पकड़। ए भाई दिस गेम इज सो इजी, ज्यादा ही हो रहा है अभी, ज्यादा ही हो रहा है ये गेम। मैं तो जा रहा हूँ भाई डायरेक्ट ऊपर। ओ भाई मैं नीचे जाने का सोच रहा हूँ अभी शायद। एक सेकंड भाई रुक जाओ। ये क्या है भाई, तुम लोग पागल हो क्या? भाई इतना आगे आने के बाद तुम लोग ऐसे मत बोलो। ओ भाई उधर जाना है क्या? ये गेम बोल रहा है कि भाई रुक जा, ये गेम बोल रहा है कि नीचे जाओ। भाई आर यू सीरियस राइट नाउ? मुझे ना एक नीचे रॉक दिख रहा है वैसे तो। ओके देखो मैं जा रहा हूँ। 1 2 3 भगवान इज ग्रेट। ऐसे मत कर रे। ए क्या रे, तेरा क्या प्रॉब्लम है रे? हां ओके हमें उधर जाना है क्या? भाई आर यू सीरियस, मैं उधर कैसे जाऊंगा? भाई इतना अच्छा तो मैंने गेटिंग ओवर इट कभी खेला नहीं था जितना अच्छा मैं ये गेम खेल रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं इस गेम के लिए बना हूं, मैं बहुत टैलेंटेड इंसान हूं। उधर ऐसा साइन है गाइस कि नहीं जाना है, तो मुझे लगता है हमें वहाँ पे पहले नहीं जाना चाहिए। पहले हम देख लेते कि यहाँ पे नीचे के साइड में कुछ है क्या। जहाँ भाई तू हाथ स्लिपिंग क्यों कर रहा है? खून कर दूंगा इधर। यड़पट आदमी। भाई मैं किधर आ गया? भाई मैं क्यों आ गया यहाँ पे? What is this? यार what nonsense यार, गलत आ गया यार, ये तो गलत हुआ मेरे साथ, ना इंसाफी हुई है मेरे साथ, ये गेम ही नॉनसेंस है। चल ऊपर वापस पूरा येड़ा। बहुत मेहनत लगता है ये गेम्स खेलने में गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ। तुम लोग को लगता है कि हम यूट्यूबर्स ये गेम व्यूज के लिए खेलते, नहीं, असली कारण ये होता है क्योंकि हम येड़े होते हैं। भाई प्लीज मैम प्लीज बोल रहा हूँ तेरे को। तू मेरा कोई ना, सुबानिया तेरी तू सूरज लगे। इस गेम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि गेटिंग ओवर इट में जो टकला होता है ना, उसको एक जगह पे अगर वो आया तो उसको रेस्ट करके रख सकते हैं। लाइक अगर हमें नहीं खेलना तो उसको वहाँ पे रख सकते हैं, पर इसमें क्या है, हमें फुल टाइम माउस का बटन दबा के रखना पड़ता है, तो हाथ के अंदर का टेंशन बढ़ता है। क्योंकि मैं फुल टाइम ये लेफ्ट बटन दबा के रख रहा हूँ, नहीं दबाया तो वो हाथ छोड़ देगा वहाँ का। ओके बॉयज वी आर हियर। इधर से हमें जाना है उधर वापस। चलो इस बार भी होपफुली पकड़ लूं मैं। 1 2 3 मम्मी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। माँ हमेशा ख्याल रखती है। अभी क्या करने वाला मालूम है मैं? भाई नीचे नहीं जाना है ना, नीचे तो वो है ना प्रॉब्लम, मैं समझ गया था। तो हमें शायद इधर जाना है, पर मैं उधर तक पकड़ ही नहीं सकता यार, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मे बी थोड़ा साइड से अगर गया, नहीं यार मैं तो पकड़ ही नहीं सकता इधर से, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तुम लोगों को क्या लगता है, मैं मरने वाला हूँ ना? 100% मुझे लगता है 120% में मरने वाला हूँ। मैं कर रहा हूँ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 मुझे नहीं रिएक्ट करना है। क्या तुम लोग क्या चाहते हो, मैं चिल्लाऊं? नहीं मुझे नहीं चिल्लाना, मैं ठीक हूँ। फालतू क्या इसमें क्या, ये तो होता, ये तो ऑफ कोर्स एक रेज गेम है तो इसमें तो ऐसा होगा, ये सब फालतू के लिए, उसमें क्या है। चलो वापस एक बार तैर के जाते हैं। हेलो ये चलो गाइस ऊपर। दूसरा कौन सा रास्ता होगा यार? मुझे लगता है कि एक जगह पे ना थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकता हूँ एक जगह पे, पर मुझे ना सच बता रहा हूँ ये गेटिंग ओवर इट से ज्यादा चिंदी गेम तो 100% लग रहा है। मैं कैसा भी अभी गिर गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इस गेम को अच्छे से खेल रहा हूँ। आई एम प्राउड अबाउट माई सेल्फ, फीलिंग प्राउड विद बैट आर्मी। हाँ यही है वो जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि ना, नहीं ना यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, पर मुझे लगा कि यहाँ पे शायद अगर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, नहीं ना, क्योंकि ये वाला ना बड़ा एरिया है जो मैं स्किप कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो। गया था हाथ ऊपर तक, गया था। तुम लोग ने देखा स्लो मोशन में दिखा एडिटर एक बार। ओ भाई गया था। ओ भाई चलना, इतना स्किप कर देगा ना तो मेरा बहुत भला होगा। चल यार ऊपर पकड़ना, क्या नॉनसेंस है। चल हट, नहीं पकड़ना ना ऊपर। चल मैं पूरा रास्ता रख करके जाऊंगा येड़ा, अभी देखो मैं कितना फास्ट जाता हूँ। छोड़ना ही नहीं है ना हाथ, ठीक है ना, नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या है, इनको मेरे साथ गेम खेलना ना, अभी मैं इनके साथ गेम खेलूंगा। भाई ऊपर पकड़ यार। मुझे ना एक एक्सपेरिमेंट भी करना है गाइस, क्या ये चीज को अगर पकड़ा तो ये टूटेगा सच्ची में, देखना है मुझे। चलो अरे नहीं टूटा। वाओ अच्छा है, चलो एक और शॉर्टकट मिल गया मुझे। मुझे ये भी सीखना है यार, ये चीज में मैं हमेशा खराब करता हूँ, ये लेफ्ट टू राइट वाला जो चीज है ना, मुझे वो सीखना है। वो भाई इस बार तो बहुत अच्छे से किया मुझे, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज करना है लेकिन वो मुझे आता नहीं है। ऐसा आता नहीं है बोला ना तो सच्ची में नहीं आएगा, हमेशा याद रखो जिंदगी में सब कुछ आएगा आपको अगर आपने सोचा दिल से। What nonsense.
What nonsense. हट यार, हार नहीं मानेंगे, इतना याद रखो। मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूं मालूम है तुम लोग को? तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे यार जिन्होंने जिंदगी में हार मानी होगी कभी ना कभी। एग्जाम्स में कभी कम मार्क्स मिलेंगे, कभी ये हुआ होगा वो हुआ होगा, इतना याद रखा। जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। यूपीएससी के भी 3-4 अटेम्प्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 अटेम्प्ट। देखा ना वो 12th फेल। भाई क्या ये आदमी है ये? हार नहीं मानेंगे, इतना याद रखो। जितना दिखता है ना तुम लोग को, इतना आसान है नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा होगा उधर बैठ के घर पे ये वीडियो देखते हैं, अरे वाह कितने इजी है ये गेम खेलना, अरे वाह मैं पेट तो 10 बार खेल सकता है गेम। नहीं, लेकिन मेरे हाथ की वाट लग रही है बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। मैं फूड पॉइजनिंग का पेशेंट हूँ गाइस, एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू। भाई ये डाय क्या तू? ये डाय क्या तू ना साहब? कैसे करना है? एक सेकंड, मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे ना इधर से वो वाला पकड़ने का, तो मैं क्या करूँगा? नहीं होगा ना, यही नहीं हो रहा मुझसे। एक सेकंड, मुझे देखो ना, इधर से वो वाला भी नहीं पकड़ पा रहा मैं। नहीं हो रहा यार मुझसे। नहीं यार, इतने से नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा है यार। भाई इस बार किया था मैंने कुछ, तो वो बड़ा वाला कैसे करने का? नहीं समझ रहा, वो कुछ फायदा नहीं इधर ना। 10 बार प्रैक्टिस करो फायदा नहीं, कितना भी तुम लोग पढ़ाई करो फायदा नहीं। एग्जाम में अगर भूल जाए तो भूल जाते हो, कुछ नहीं फायदा फिर। राइट ओके। ओ भाई ये इस बार मैंने अच्छे से किया था, अभी सेम प्रैक्टिस इधर करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है तेरा? हाँ आदमी येड़ा है तू, थोड़ा सा करना प्लीज। इधर ही करते, इधर ऊपर से करते। लेफ्ट टू, मैं मारू। ओके मैंने बहुत बार ट्राई किया, अभी मैं ये कंट्रोलर के साथ ट्राई करने वाला सेम चीज। देखते हैं कंट्रोलर से कुछ एडवांटेज मिलता है क्या। मुझे तो नहीं लगता कुछ अलग होने वाला है, ये भी डिफिकल्ट ही लग रहा है मुझे तो। मे बी मैं कंट्रोलर का एक्सपर्ट हूँ और मुझे वो मालूम ही नहीं, और मुझे आज समझ में आएगा। देखो तुम लोग ना मछली को कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई तैर के देख। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोला। तुम लोग मछली को ये नहीं बोल सकते कि भाई उड़ के दिखा। मे बी मैं एक मछली हूँ एंड माउस मेरे लिए बना ही नहीं है, तो मैं मे बी कंट्रोलर से, मैं कंट्रोलर से ज्यादा फास्ट फील लग रहा है यार मुझे तो। ओके 1 2 3 पकड़ा, वापस अभी मरने के लिए रेडी हो। वॉट इफ इन्होंने बोला है कि इधर इस हड्डी को पकड़ के चल, वो ऐसा भी तो हो सकता है। इन्होंने हड्डी क्यों दिया है? नहीं यार हड्डी तो बहुत दूर है, वो तो पॉसिबल नहीं है पकड़ना। लगता है इधर से भी जंप ना बहुत ज्यादा हो जाता है, मुझे इधर से ही जंप मारना चाहिए, ये बेस्ट है जंप मारने के लिए। प्लीज दादाजी, अगर आप ऊपर से ये वीडियो देख रहे हो, दादाजी आपका पोता बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया है दादाजी। मैंने आपको पिछले 10 साल हो गया, 10 साल में दादाजी आपसे कुछ नहीं मांगा मैंने, इतना बस मेरे को ये दे दो आशीर्वाद ऊपर से, मैं ये कर पाऊँ दादाजी प्लीज। 1 2 3 आई विश कि नीचे से एक शार्क आके मेरे को खा ले। भाई साहब क्या जंप मारा मैंने और येड़ा पूरा नीचे तक आ गया। उतना तेरे को उधर जमता नहीं, येड़पट आदमी। माला मारून टाका यार कोड़ी तरी। प्लीज किल मी प्लीज किल मी, माला मारून टाका यार। मैं लोगों को क्या ही गेम में दिखाओ यार। सॉरी गाइस, मैं मेरी गलती नहीं, अभी तुम लोग को सेम चीज वापस देखनी पड़ रही है, तो मैं सेम खेल रहा हूँ, वो तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता। उस पे तरस खाओ तुम लोग और चुपचाप देखो मेरा वीडियो। मेरे को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा शोल्डर पेन हो रहा है फूड पॉइजनिंग के। 1 2 हट 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 ना।
नॉनसेंस, चुप बैठ, मैं नहीं खेल रहा, हट जाने दो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना, दूसरे बहुत गेम्स पड़े, नहीं खेलने हैं फालतू गेम, सुनो 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 सुनो, मुझे नहीं खेलना है गेम, मुझसे नहीं होगा वाला वगैरह तो वो जाने दो, मुझे नहीं खेलना, मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, ठीक है, शोल्डर में मरने वाला, शोल्डर पेन से बोलते ना शोल्डर पेन, एक सेकंड में दिखाता हूं, मैन एंड वुमन एक्सपीरियंस हार्ट अटैक सिम्टम्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट वेज, द मेन डिफरेंस इज हाउ पेन रेडिएट्स, फॉर मेन पेन विल स्प्रेड टू द लेफ्ट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर है पर मेरे को पेन इधर हो रहा है, नहीं तो हार्ट अटैक तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे है कुछ तो है, मुझे मैं नूबू एक्चुअली नूब नहीं हूँ, देखो मैं एक घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल डिटर्मिनेशन के साथ, हाँ बहुत बहुत ट्राई किया मैंने, नहीं होगा मुझसे ये फालतू जम नहीं जम रहा, तो नहीं मुझसे नहीं होगा ये गेम, तुम लोग एक काम करो, हाँ मैंने गेटिंग ओवर इट में भी ये चीज की थी, मैंने एक इंसान को चैलेंज दिया था क्या वो गेटिंग ओवर इट को कंप्लीट कर सकता है, वाओ व्हाट अ जंप सर जी, क्या जंप मारा मैंने, देखा तुम लोग ने उधर से डायरेक्ट इधर, नीचे गया नहीं मैं, उसको बोलते हैं स्किल्स, समझा ना बीस्ट बॉय शुभ, देख रहा है क्या वीडियो, हाँ तू खेल रहा है ना आजकल, देखते हैं सबसे पहले कंप्लीट कौन करता है गेम, बीस्ट बॉय शुभ शुभ, वो चैलेंज ऑफ कोर्स वो जीत गया क्योंकि मैं पीछे हट गया, ठीक है मैं पीछे हट गया इसलिए वो जीत गया, बट बीस्ट बॉय शुभ मैं तुम्हें वापस चैलेंज करता हूँ ये गेम के लिए, ठीक है अगर तू ये गेम में मुझसे आगे गया तो ही फिर मैं ये वापस खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा, मेरे से तो नहीं हो रहा भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो तू आगे जाके देख फिर मैं तेरे को देख के और आगे जाऊंगा, सच होता है। एनीवे वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।